हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने शूट किया जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है। और उसमें इतना भागम भागी हुआ है ना, सुबह से लेके बाप रे, 3 घंटा गिर नहीं गया है। 3 घंटा हम लोग को भगाया गया है घर के अंदर ही। ऐसा गेम मैं पहले कभी नहीं देखी थी, जो अब मैं फर्स्ट टाइम ये गेम का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, बाप रे। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको पता चलेगा कि कौन सा गेम था, किसने हमको इतना भगाया, मतलब पागल कर दिया। चलिए। सो गाइज, ये है संडे का दिन, दोपहर का है। हम लोग खा बना के, संडे का तो बिल्कुल ऐसे ही जाता है दिन। तो सफाई करने लग गई थी, वार्डरोब सही कर रही थी। देखिए, इसमें लल्ला का, मेरा, सबका, इसके पापा का, सब सही किया मैंने। उसके बाद बेबी के लिए मैंने न्यू ड्रेस ऑर्डर किए थे, वो आ चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल आप देखिए कितना सारा अभी भी फैला हुआ है, बहुत सारा अस्त व्यस्त हो गया था। ये देखिए क्या कर रही है, और अभी प्रिंसेस क्या कर रही है। उठ उठ उठ, अच्छा बेबी, जल्दी बच्ची, गंदा, उठो जल्दी जल्दी, उठो प्रिंसेस, जल्दी उठो। क्या पहनी हो सब? नैना, ये नैना पहनी। चलो ठीक है, चलना है, फेंक दू ये वाला, फेंक दू क्या? ये है प्रिंसेस का एक पैंट, और ये है, ये बेबी को, ये भैया का है, भैया का नहीं बोलूंगी तो पहन ले रख जाएगी अभी। भैया का है, भैया का है, भैया का है बेबी। और ये है दूसरा, ये पैंट, इसके पापा को बहुत पसंद था। और ये एक ये लिया मैंने, ऐसा कुछ, ये ऐसा बीबी का बाबू का, ताकि वो पहने नहीं, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनती ना वो, तो इसलिए आइडिया मिल गया मुझे कि उसको बोलने का बाबू का, ऐसा है ना, तो अभी पहनती बाबू का एक कपड़ा नहीं पहनती वो, उसको जैसी बोलेंगे ना बोलेगी बाबू का ना मम्मा ना। फ्रॉक 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 बहुत हो गया था इसके पास, इसलिए फिर पहन पहन के घूमते रहती है इधर उधर। सभी फ्रॉक लाएंगे ना ही पहनेंगे ना, फ्रिल वाला फ्रॉक ना, उसके बर्थडे में बहुत सारा मिल गया था, वो रोज एक पे एक कोई पहनती, जैसे कि अभी एक पहनी है,
तो अभी मुझे शॉपिंग भी जाना है तो इसलिए फटाफट कर लिया। और ये देखिए, मैं सोची लल्ला का कपड़ा रखने से पहले वार्डरोब में थोड़ा क्लीन कर दूँ। देखो कितना गंदा था अंदर पूरा, तो मैंने निकाला कैसे तैसे करके, निकल नहीं रहा था एक तो निकला, ऊपर से फिर चूहा दिख गया। चूहा को भगाने के चक्कर हालत खराब हो गया पूरा। घर साफ कर दूंगी, चूहा भगा के रहूंगी चाहे जो हो जाए। कपड़ा काट लिया, हाँ देखो ये देखो मेरा स्वेटर पूरा कुतर दिया उसने। मुझे अभी ठंडी के टाइम आता है तो चाहिए होता है गांव जाते टाइम। अब गांव जाना है, मैं सोची देख लूँ थोड़ा सा, और मैं ढूंढना ना पड़े, हर साल बेड में रहता है तो सेफ रहता है, ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं बाहर ही रखी थी वार्डरोब में थोड़ा नीचे की तरफ, और पूरा कुतर डाला, बहुत सारा नुकसान कर दिया हमारा। तो अब तो मम्मी पहले ही बोली थी कि उसको ब्रेड वगैरह ला के रख, थोड़ा भगाने का कुछ तो कर, पर मैं मना कर दे रही थी बार बार, नहीं मम्मी पाप लगेगा, ऐसा मत करो मत करो। लेकिन ये बहुत तंग हो गई, इतना सामान नुकसान कर दिया हमारा ना कि यार हद हो गया, मतलब बहुत परेशान हो गया। देखो चूहा किचन फ्रिज में, फ्रिज के अंदर फ्रिज के आज का ब्लॉग मेरा हिट हो जाएगा। टीवी म्यूजिक आ रहा है, चूहा हाथ पकड़ ले। हाँ माँ बेटे ऊपर सोफे पे, बाबा उसकी खैर नहीं है, भाग जा गधे। मम्मी की बात पहले सुन ले रहती तो अब तक बच गया रहता कपड़ा ना। इधर क्या होने देखी क्या? उसी में छुप छुपा है। पाप लगेगा। हम लोग सोच के इन लोगों का ज्यादा ही मन बढ़ रहा है। ये देखो चूहे का माल, एक चूहा और हम सबको परेशान कर रखे रखा है। बाप रे इतना तंग कर दिया, पकड़ा नहीं गया और भग गया, अच्छा हो गया भग गया, उसकी जान बच गई। और ये लेके पीयूष घूम रहा है उसको चिपकाने के लिए कि चिपका के बाहर छोड़ देंगे। तो लेकिन देखो अभी गाड़ी के अंदर घुस गया है, अभी कैसे भागेगा उधर। देखो चूहे की वजह से हालत खराब हो गई, पूरा घर कबाड़ खाना हो गया है, पूरा सामान निकाल के बाहर कर दिया हम लोगों ने चूहा ढूंढने के चक्कर में। डबल तिबल मेहनत हो गई, सच में बहुत थक गए थे हम लोग, इतना थक गए थे ना, ऐसा बीमार जैसा लग रहा है कि बीमार हो जाऊंगी मैं। लेकिन सभी परेशान थे, मम्मी पीयूष मैं, बच्चे भी इधर का उधर कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ पीयूष पकड़, मम्मी पकड़ो, और हाँ मैं सोफे पे बैठ जा रही थी कूद के, मई कि मम्मी सबको बोल रही पकड़, और खुद सोफे पे जाके बैठ जा रही है। पीयूष बोलता मौसी भागना नहीं है, पकड़ा पीयूष भाग। बहुत लेकिन बहुत भागा भागी की वो, एक चूहे ने ना पूरा परेशान कर दिया एकदम, इतना तंग कर दिया। हे भगवान, पहला एक्सपीरियंस है चूहा पकड़ने का, पकड़ा नहीं गया वो भग गया। अभी देखो फ्रिज के पीछे हम लोग सोच रहे हैं,
देखिए ये नए घर का नतीजा है, इतने ऊपर रहने के बाद भी चूहो चूहे का आतंक हो रहा है, इतना आतंक हो रखा है कि सो गाइस मिशन कंप्लीट हो गया, चूहा भाग गया, उसकी जान भी बच गई है। और फिर क्या इतना तंग कर दिया ना, इतना भागम भागी, सच में बाद में बैठ के हम लोग बहुत हंसे, इतना हंसी आ रही थी ना। हाँ बेबी, अच्छा इतनी हंसी आ रही थी, मम्मी बोल रही है अरे हंस मीता पेट दुख गया हंस हंस के, यार कितना भागे, बॉक्स जितने रखे थे सब मम्मी के रूम में, बॉक्स में ही जाके छुप जा रहा था। और मैं बार बार बॉक्स ऊपर रख रही हूँ नीचे रख रही हूँ, तीन बार शिफ्टिंग किया हम लोगों ने रूम का, पूरा पसारा तीन बार निकाला, आज भगा के ही रहेंगे।